अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, और इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बर्गर बंस विदाउट अवन, जो कि घर में बहुत इजीली बन जाते हैं। तो ये देखें कितने सॉफ्ट बर्गर बंस हैं। आप इनको बटर लगा कर भी खा सकते हैं, पैटी लगा कर भी खा सकते हैं, शामिल लगा कर भी खा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो आए चलें बिना टाइम ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने हाफ कप दूध लिया है, इसके अंदर मैं 1 टीस्पून यीस्ट ऐड करूँगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। दूध आपका नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब मिक्स करके इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और अब ये 2 कप जो है मैंने मैदा लिया है, और इसके अंदर मैं 1 3 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड करूँगी, और साथ में 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी, और साथ में 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर मैं। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। आप इसके अंदर बटर भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं, तो जो भी आप यूज़ करते हैं। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले मैं इनको मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसके अंदर यीस्ट ऐड करूँगी जो मैंने दूध के अंदर मिक्स करके रखी थी। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक और चीनी मिक्स हो जाए। और ये देखें मैंने इसके अंदर यीस्ट भी ऐड कर दिया, अब जो मैंने पहले रखी थी दूध के अंदर। अब ये देखें, अब इसके साथ ना साथ साथ मैंने थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड करना है, और इसको मैंने अच्छे से गूंदना है। इसको मैंने बर्गर बंस बनाने में सबसे ज़्यादा काम जो है वो डो गूंदने का। अगर आपने इसको अच्छे से गूंद लिया तो इंशाल्लाह आपके बर्गर बंस जो हैं बहुत अच्छे से बनेंगे। तो चलिए, अब इसको अच्छे से मैंने गूंदना है। मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी। तो ये देखें, जब ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं ना, तो अब आपने इसको निकाल लेना है किसी प्लेन जगह पर। मैंने जो ये जो डो है इसको मैंने डिश में निकाल लिया। आप इसको किचन शेल्फ पे भी गूंद सकते हैं। इस तरह से आपने गूंदना है अच्छे से, इस पर काफ़ी ज़ोर लग रहा है। और अब आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो है हाथों को लग रहा है, जब ये अच्छे से गूंद जाएगा तो ये हाथों को नहीं लगेगा। और इस तरह करके आपने गूंदने, और यीस्ट का दाना जो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब आप अच्छे से गूंद लेंगे तो फिर आपके बंस भी बहुत अच्छे बनेंगे। बहुत से लोग हैं जिनके बंस अच्छे नहीं बनते, ये एक वजह ये भी होती है कि हम दूध जो है वो गर्म ले लेते हैं। गर्म दूध से भी अच्छे बंस नहीं बनते, राइज नहीं होते, डो राइज नहीं होती, और फिर बंस भी नहीं अच्छे बनते। आपने दूध को नीम गर्म लेना है, आपने उसके अंदर उंगली डालनी है। अगर तो आपकी उंगली उसमें रह रही है तो फिर ठीक है, इतना मतलब इतना आपने दूध लेना है गर्म। तो ये देखें, ये हाथों से लगना ख़त्म हो गया बिल्कुल, जैसा कि आप देख ही सकते हैं वीडियो में। तो अब ये डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको एक बार, ये देखें मैंने एक ले लिया है जार, इस पर मैंने ऑयल ऑयल लगा दिया, ठीक है, ऑयल ब्रश कर दिया, कुकिंग ऑयल। आप कोई टिफ़न भी या जिसका कोई ढक्कन हो अच्छे से, आप वो ले सकते हैं। तो ये देखिए, अब जो डो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। इस पर आपने अच्छे से ऑयल जो है लगाना है चारों तरफ, इसके कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए, ये लगा दिया। अब जो है मैं इसके अंदर डो है वो रख दूंगी, और 2 घंटे रखूंगी ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए डो। तो ये देखिए, ऊपर भी जो है आपने ऑयल लगा देना है, कुकिंग ऑयल आपने ऊपर भी ब्रश कर देना, जैसा कि मैं कर रही हूँ करके। तो फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए रख देना है। जो है मैं इसका कवर इस पर लगा दूंगी, और इसको मैं रख दूंगी 2 घंटे के लिए। और अब हम 2 घंटे के बाद के मिलते हैं। देखें, अब 2 घंटे इसको हो चुके हैं, और माशाल्लाह से देखें ये कितनी अच्छी राइस हो गई है। और अब मैं इसको दोबारा बाउल के अंदर निकाल लूँगी, और हम इसको पंच करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको दोबारा डो को गूंदेंगे बिल्कुल लाइट थोड़ा सा। अब जो है हम इसके पेड़े बना लेंगे। मतलब इसमें इसके मेरे 3 बंद बनेंगे। आपने जितना भी साइज़ रखना हो आपकी मर्ज़ी, आप उतने साइज़ के पेड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैंने अच्छे से राउंड कर लिया। अब ये मैं 3 पेड़े बना के, तो नेक्स्ट फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें जी, ये जो 3 पेड़े हैं ये मैंने बना लिए हैं। अब ये देखिए, मैंने आपके घर कोई भी देगची हो या पतीली हो, मैंने ये ले लिया। इसके ऊपर मैंने ऑयल ब्रश करूँगी, ठीक है। आप किसी कोई भी आपके घर पतीली देख जिसका कोई भी ढक्कन हो आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ आपको अवन के बगैर बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको पतीली में बना बताऊँगी। तो ये देखिए, अब ये जो तीनों पेड़े हैं ये मैं यहाँ पर रख दूँगी, और आप थोड़े डिस्टेंस रखिएगा, क्योंकि जब ये राइस हो जाएंगे तो ये साथ जुड़ जाएंगे। कुछ लोग हैं साथ में बटर पेपर रख देते हैं ताकि एक दूसरे के साथ ना जुड़े, तो मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं रखा। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने ऑयल ब्रश कर दिया है। अब मैं इन्हें किसी कपड़े के साथ कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट छोड़ने से ये डबल राइस हो जाएंगे। तो ये देखिए, हम 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट इसको हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से राइस हो चुके हैं। अब जो है हम इनके ऊपर एग है, एक अंडा लिया था मैंने, उसे अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे।
अब इन तीनों के ऊपर मैं अंडा लगाऊंगी। अंडा अच्छा कलर के लिए लगाते हैं वैसे, अगर आप चाहें ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, ये जस्ट कलर के लिए होता है। तो अब मैं इन तीनों पर अंडा लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो खाली जगदी है वो भी लगा सकते हैं, अगर मिक्स चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, अंडा जो लग चुका था, तो अब मैंने ये वाइट तिल ली है, ये मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप देखिएगा माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छे लगेंगे जब ये बन जाएंगे, जब ये तैयार हो जाएंगे। तो आप थोड़े ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से इनके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये देखें, अब तिल लगाकर फिर हम इसको बेक करेंगे। और मैं आपको प्रेशर कुकर के अंदर बेक करना बताऊंगी। तो ये देखें, इसके अंदर मैंने एक प्लेट रख दी थी और इसको 10 मिनट हो गए थे, मैंने इसको प्री हीट कर लिया और अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। यहाँ आपने एहतियात करनी है, आपका हाथ ना जल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके अंदर मैंने टूथपिक डालकर चेक किया था अच्छे से, वो बिल्कुल प्लेन आई थी, तो मतलब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने डिश में निकाल लिया और आप देखिए कितना खूबसूरत कलर है इनका, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना खूबसूरत इनका कलर आया। तो अब मैं आपको इनकी सॉफ्टनेस चेक करवाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट आए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत, आपके बन बहुत अच्छे बनेंगे। और कोशिश किया करें कि जो भी रेसिपी आप देखें उसे ट्राई किया करें और बिना स्किप किए देखा करें, क्योंकि कोई कोई बात होती है, कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में बताई जाए, अगर आप स्किप कर दें तो फिर आपको नहीं पता चलती। आप इसको दरमियान से काट कर इसके अंदर शामी या पैटी या बटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा कर खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत इसका अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।